अरे विवाद भी यहाँ चल रहा है जिन्ना के ऊपर, क्या कहेंगे इसके ऊपर जो है। मैं फालतू चीजों पे डिस्कशन नहीं करता। देश भर में लगातार तस्वीर को लेके विवाद चल रहा है, उसके लिए क्या कहना है? राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री हामिद अंसारी साहब को लाइफ मेंबरशिप दी जाएगी यूनियन की, और ये यूनियन के एग्जीक्यूटिव का फैसला है, सारे स्टूडेंट का फैसला है ये। तो इसीलिए चूँकि ऑब्वियसली बात है कि कोई गेस्ट अगर हमारे घर पे आता है तो साफ सफाई रंगाई पेंटिंग तो होती ही है ना, क्या नहीं करते हैं क्या ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग? तो ये मैसेज गया क्यों? ये मैसेज कहाँ से गया, क्यों गया? ये तो यही जाने ना, साफ सफाई हो रही है, घर में घुस जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अब हम लोग अतिथि को रिसीव करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ वक्त बिताए 10 मिनट का, कि हम वहाँ पे साफ सफाई कराए खड़े हो गए। स्टाफ्स थे वहाँ पे, जो पूरी इनकी जिम्मेदारी है, जो चीज थी वो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्पिरेसी थी इसके पीछे, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। दबाव है वीसी साहब का, दबाव क्यों रहेगा? यूनियन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वीसी साहब चाह के भी दबाव नहीं बना सकते। अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कुर्सी के चारों जो पाए है ना उसको हिला के रखने का दम छात्र संघ के अंदर है। कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं कि हम आकर के जिन्ना साहब की फोटो हटा देंगे। जो ये धमकी दे रहे हैं वो उनको बोल दीजिए कि यूनिवर्सिटी सर्कल के आगे 2 कदम बढ़ा के दिखा दें, ठीक है? देखते हैं कि कितनी बड़ी धमकी है इनकी। जिन्ना साहब के बगल में उनकी तस्वीर लगाई जाएगी आज। देखिए जिन्ना साहब के बगल में लगेगा कि गांधी जी के बगल में लगेगा, ये तो एक अलग बहस है।